महिलाओं की मुश्किलों का समाधान किया। सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य से समझौता अब और नहीं। मारे हरियाणा में खुले में शौच अब और नहीं। स्वच्छता ये ना सिर्फ एक शब्द महज है बल्कि रोग मुक्त और खुशहाल जीवन का सार भी है। शायद इसीलिए स्वच्छता को जीवन शैली का परिचायक माना गया है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को न सिर्फ संकीर्ण नजरिए से देखा जाता था बल्कि स्वच्छता के पैमाने पर इसे बेहद निचले पायदान पर भी रखा जाता था। लेकिन वक्त बदला, सरकार और प्रशासन बदले, लक्ष्य भी बदले और उन लक्ष्यों के साथ साथ बदला गांव देहात में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का तरीका। देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का बिगुल बजाया तो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में सबसे आगे रहे हरियाणा के लोग। हरियाणा सरकार ने भी इस अभियान को लेकर न सिर्फ गंभीरता से कदम उठाए बल्कि आज पूरे देश में हरियाणा ऐसा पांचवां राज्य है जिसका ग्रामीण इलाका 100% खुले में शौच मुक्त है। महिलाओं को, बेटियों के सम्मान का भी प्रतीक रहा शौचालय का निर्माण करना और उसके साथ साथ स्वच्छता और जो सफाई वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। और चाहे आज हमने जितना भी अचीव किया हो, मैं समझती हूँ ये हमारी एक जीत है, हमने विक्ट्री है, हमने एक समाज से कुरीति को दूर करने में, महिलाओं को, बेटियों को सम्मान दिलाने में और लोगों की स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत अच्छी पहल की है। और शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर शौचालय ना हो, शायद ही कोई ऐसा ग्रामीण हो जिसकी खुले में शौच जाने की मजबूरी हो। दावा बेहद बड़ा है और तस्दीक भी जरूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ एक ऐसे अभियान से जुड़ा है जो लाखों लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है बल्कि अगर ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो देश के बाकी राज्यों के लिए एक बड़ी मिसाल भी साबित होगा। इसी तस्दीक के खातिर हमने हरियाणा के अलग अलग जिलों के गांवों के हालात का जायजा लिया। सिरसा जिले की गदली ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही नजर पड़ती है गांव का नाम और बाकी जानकारी देने वाले बोर्ड पर। इस बोर्ड पर ही दावा किया गया है कि गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है। सारा गांव खुले में शौच जाने से सारा मुक्त है। हम घर घर जाकर सभी को जागरूक किया, हमारी शिक्षण टीम द्वारा और गांव के लोगों द्वारा हमें सारा साथ मिला। पहले दिक्कत ही थी लेडीज के लिए, तो सब बहुत भारी प्रॉब्लम थी, एक प्राइवेसी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये है। और हमारे गांव में सफाई का अभियान जो है बहुत अच्छा चला है, सब बहुत जागरूक हुए, महिला लेडीज जेंट्स वगैरह बच्चे सब सफाई के प्रति बहुत जागरूक है और हमारा विकास, गांव का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। आगे बढ़ने पर गांव की जो तस्वीर सामने आती है वो किसी भी आदर्श गांव की कसौटी पर खरी उतरती है। गांव में हर घर में शौचालय है, साफ सुथरी सड़कें, कूड़ादान अपनी जगहों पर है और वक्त वक्त पर लगातार सफाई होती है। हमारा गांव भी शौच मुक्त है जी, हमने काफी मेहनत करी जिसमें सरकार का सहयोग भी रहा, सक्षम टीम का बहुत सहयोग रहा और सबसे बड़ी बात है एक तो वातावरण, जो पहले लोग आदत बनी थी पुराना लोटा लेके बाहर जाना, सड़कों के किनारे गंदगी, खेतों में गंदगी, ये भी एक बहुत बड़ी बुराई थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। हमारे गांव में बिल्कुल ही ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कि खुले में शौच जाता हो और बड़ा साफ सुथरा वातावरण है। गदली गांव की गलियां और निकासी की नालियां
साफ सुथरी दिखीं, तो ग्रामीणों के इस दावे पर भी भरोसा हुआ कि हाँ, यहाँ प्रशासन ध्यान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हमारे जिले में जो काफी अच्छी स्थिति है और राज्य स्तर पर भी ये प्रथम रहा है हमारा जिला। गांव के लोग न सिर्फ सरकार के प्रयासों को सराह रहे बल्कि इसमें अपनी 100% भागीदारी के लिए भी तैयार हैं। सिरसा के गदली गांव के बाद करनाल के इंद्री का रुख किया तो पहुंचे मुरादगढ़ ग्राम पंचायत में। दावा है कि ये गांव साल 2016 में ही खुले में शौच मुक्त हो चुका है और इस दावे की तस्दीक भी करती है इस गांव की ये तस्वीरें। हमारा गांव अगस्त 2016 से खुले में शौच मुक्त हो चुका है और पूर्णतः सारा गांव खुले में शौच मुक्त है, कोई भी बाहर खुले में नहीं जाता। जो प्रवासी मजदूर वगैरह है वो भी शौचालय में ही जाते हैं। सरकार की तरफ से शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं जो हमारे से पिछली पंचायत ने राज्य सरकार के ग्रांट के तौर पे बनाए थे और उसके बाद में जो हमारी पंचायत ने भी एक कई शौचालय जो आंगनवाड़ी में भी है या जो अपने पशु का जो अस्पताल है उसके भी अंदर है या जो हमारे जो गांव में सार्वजनिक जितने भी स्थान है सब के अंदर शौचालय बने हुए हैं। गाँव में सार्वजनिक शौचालय है और हर घर में शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। साफ सुथरी गलियों वाला ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है। पहले से काफी सुविधा है गांव में, सरकार ने टॉयलेट और गांव में पंचायत की तरफ से हर घर में शौचालय बनवाए, उससे हर घर में सबको काफी सुविधा होती है। बाहर जाने से गंदगी दिखती थी और अब वो नहीं दिखती। पहले यह था कि पूरी गांव की महिलाएं जैसे खुले में शौच जाती थी तो उनको बड़ी दिक्कतें आती थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी और हर तरह से। लेकिन अब वो मुसीबतें जो मुश्किलें थी वे सारी आसान हो चुकी हैं। गांव हमारा शौच से मुक्त हो चुका है तो अब वो लेडीज मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हैं, घर घर शौचालय बन चुके हैं। खुले में शौच मुक्त गाँव से सबसे बड़ी राहत मिली है उन महिलाओं को जिन्हें घर में शौचालय ना होने की वजह से शर्मिंदगी और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता था। लेडीज थी उनको काफी दिक्कत होती थी बाहर शौचालय जाने के लिए, लेकिन मोदी जी के स्वच्छ भारत के अभियान के और हमारे गांव की पंचायत के समर्थन से अब घरों में ही ये टॉयलेट बन चुके हैं जिससे हमारे गांव की जो लेडीज हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और पहले से बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पर। पहले खुले में जाते थे, टॉयलेट बाथरूम करने जाते थे, शर्म आती थी, ये आदमी आ जाते थे, खड़े होना पड़ता था। अब 2016 से जब से टॉयलेट बाथरूम बने हैं ना, जब से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुविधाएं हो गई। अगला पड़ाव रहा पंचकुला जिले का बक्शीवाला गांव। तस्वीरें वैसी ही थीं जैसी एक खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े गांव की होनी चाहिए और ग्रामीणों खासकर महिलाओं में सरकार के इस अभियान के लिए बड़े आभार का भाव भी दिखा। सरकार ने बहुत फायदा कराया, लैट्रिन बाथरूम सब घर में बनाया हुआ, कर बाहर नहीं जाते, नदी में जंगल में कहीं नहीं जाते, सब फायदा उठाया हुआ जी। पहले तो परेशानी बाहर अंदर जाने की भी है थी, कोई बीमार हो जद भी परेशानी थी, ठीक हो जद भी परेशानी थी, अब तो सब कुछ सही है। अब खुश है सबका, सीसी सरकार से खुश है सब काम में। हमें शौचालय के पैसे मिले हैं से हमें बहुत सहूलियत मिली है, अंतर बहुत है, सफाई रहती है जी बाहर खेतों में भी घर में भी। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी बाहर जाते थे। पहले क्या था कि लोग बाहर खुले में जाते थे तो बीमारियां होने का डर रहता था, अब घर में
जब से शौचालय बने हैं तो बड़ी साफ सुथरा रहता है, और हमारे यहाँ जैसे खुले में जाने से काफ़ी बीमारियाँ भी फैलती थी, अब वो बीमारियों पर भी काफ़ी काबू पा लिया गया। हमारी ग्राम पंचायत शौच मुक्त हो चुकी है। सबसे पहले हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट पंचकूला जो शौच मुक्त हुआ है, उसमें हमारे सभी गांव जितने भी डिस्ट्रिक्ट पंचकूला में शौच मुक्त हो चुके हैं, और हमारे घरों में हर घर में सरकार द्वारा कुछ घरों में जैसे सुविधा दी गई है, कुछ घरों में खुद बनाए गए हैं। पहले जैसे हमारी लेडीज जंगल में जाती थी, तो आज के टाइम में कोई लेडीज या कोई बुजुर्ग हमारा खेत में या जंगल में नहीं जाता, इससे सरकार के हम धन्यवादी हैं। इस सफर का अगला हिस्सा बने हिसार जिले के कई गांव, गढ़ी, अजीमा, लोहारी राघव, मोठ रांगडान जैसे गांवों में अब खेतों में सिर्फ खेती होती है, इसका इस्तेमाल अब कोई शौच के लिए नहीं करता। गांव के जिन घरों के पास शौचालय नहीं थे, वहां अब सरकार के प्रयासों से साफ सुथरे शौचालय हैं, और ग्रामीण ना सिर्फ खुले में शौच की मजबूरी को खत्म कर चुके बल्कि स्वस्थ वातावरण में सांस भी ले रहे हैं। इस पड़ताल का अगला पड़ाव रहा नूह जिला। यहां कालियाका गांव की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है। एक वक्त था जब गांव के लोगों को घरों से दो दो किलोमीटर की दूरी तय करके शौच के लिए जंगलों में जाना पड़ता था। बहुत दूर जावे चाहे तो नहीं भग जावे लोग, और हमारे बड़े बूढ़े भी दुख पावे, और बहुत फायदा तो सब यही बैठ ले और काम कर ले। रात के भी जाना पड़ जाओ, दस लग जाए तो एक बजे भी जाना पड़ जाओ, दो बजे भी जाना पड़ जाओ, बारह बजे भी जाना पड़ जाओ, घना फायदा है जी। अब तो घर में तो अब तो वह बात का ये नहीं पता पड़े कब जंगल बैठ ली कब उठ ली, नए नए बालक आ रहे उनकी नहीं पता पड़े भाई बाहर कब निकल गए कब न अपने घर में बैठ ले। अब तो बहुत परेशानी थी सर, और बहुत ही दिक्कत आती थी। सुबह सांस जमार से दस जाते थे, दिन के तो कोई तो बहुत सुविधा, गंदगी ना फैले। आज गांव के हर घर में शौचालय है, और लोगों की तमाम परेशानियों का हल हरियाणा सरकार ने कर दिया। अब ना महिलाओं को शर्मिंदगी और पीड़ा झेलनी पड़ती है, ना बुजुर्गों बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। पहले तो बाहर जाते थे, एक डेढ़ घंटा जाने में आने में समय लगता था, अब तो घर में ये सबसे घर में लैट्रिन हो लेते हमें फर्क हो जाते हैं, और सरपंच साहब ने हमारे गांव में घर घर जाकर के लैट्रिन बनवाई है, अब बाहर कोई नहीं जाता, लैट्रिन के लिए कोई बाहर नहीं जाता, सब घर में रहते हैं। सरकार की सफलता का सिरा आगे जाकर जुड़ा पानीपत जिले से। झट्टीपुर गाँव वैसे तो आम गाँव सरीखा ही लगा, लेकिन कई उपलब्धियां इस गाँव के साथ जुड़ी हैं। सरकार के भी अच्छे प्रयास है, और हमारे सरपंच ने भी बहुत कोशिश की है, और कोशिश कामयाब भी हुई है, बहुत हद तक काफी निजात मिली है। पड़ोस में एक घर नहीं शौचालय बना था काफी टाइम से, कितने भी कहने के बाद हमारे सरपंच ने कोशिशों के बाद उस घर में भी शौचालय बनवाया है। हमारे गांव में हर एक घर में टॉयलेट है, टॉयलेट सरपंच कुछ सरपंच ने बनवाया है, कुछ मनरेगा के तहत बनी है 67 टॉयलेट, और कुछ हरियाणा सरकार की मतलब इससे पिछले सरपंच थे जो उसमें भी इस खुले शौच में मुक्त होया, खुले से शौच मुक्त हुआ है हमारा गांव, और मक्खी मच्छर जो बैठते थे उससे हमें अब बीमारियां भी कम हुई। गांव ना सिर्फ स्वच्छता के तमाम पैमानों पर खरा उतरा बल्कि कैशलेस अभियान से जुड़ने को लेकर भी तारीफ हासिल कर चुका है। ODF वास्तव में तो जो आकलन हुआ थर्ड पार्टी सर्वे हुआ उसके मुताबिक खुले में शौच से मुक्त हमारे सभी गांव हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा अभियान है जो केवल आंकड़ों से नहीं चलता, इस अभियान से जुड़ा है तो वो हमारी सोच है। साफ सुथरी गलियां, करीने से लगे पेड़ पौधे, साफ नालियां, और सबसे महत्वपूर्ण गांव के हर घर में शौचालय, इस गांव को
मिट्टी मनोहर के अभियान की अगली पंक्ति में खड़ा करती है। हर घर को शौचालय से जोड़ा गया है, 100% ODF है, तो इसमें सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये रहा कि उन्होंने जिन घरों में टॉयलेट नहीं थे उन घरों के लिए उन्होंने मनरेगा स्कीम से जिला प्रशासन ने 67 ऐसे व्यक्ति थे जिनके घर में शौचालय का निर्माण करवाया गया। शौचालय के बारे में जहाँ तक हमारी सोच है, सारा गांव शौच मुक्त हो चुका है। कोई भी एक भी सदस्य किसी भी घर से शौच के लिए बाहर नहीं जाता। 100% घरों में शौचालय है, सब यूज करते हैं। पृथला का चंदावली गांव भी कभी खुले में शौच के दंश से पीड़ित था। लोगों को ना सिर्फ परेशानियां और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी भारी खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन सरकार का साथ मिला तो इस गांव ने भी अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल ली। हाँ, तकरीबन 90% लोगों के शौचालय बन चुके हैं और कुछ जो प्रोसीजर में है सरपंच जी उसकी कोशिश कर रहे हैं। और तकरीबन कितना फर्क मानते हैं आप? करीब 90% फर्क है। तो पहले में और अब में क्या फर्क देखते हैं? बहुत ज्यादा फर्क है जी। पहले लोगों सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे भी खड़े होते थे, इस टाइम देखते थे लोगों की लाइन लगी होती थी जंगल में जाने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हरियाणा को जो शौच मुक्त बनाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का। पहले क्या था कि हमारी बहन बेटी, हमारी बहू बेटियाँ घर से बाहर जाया करती थी तो बहुत ही शर्म महसूस किया करती थी। लेकिन आज क्या है, आज घर घर में सभी में शौच बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान चलाया था शौच मुक्त अभियान, तो उसमें हमने अब से करीब एक साल पहले अपने पूरे गांव को शौच मुक्त कर दिया। करीब करीब 4 या 5 लोग थे हमारे गांव में जिनके पास वो नहीं थे अपना ये टॉयलेट वगैरह, तो हमने पंचायत की तरफ से उनका बनवा दिया। शौच मुक्त अभियान के तहत हमने कम से कम 100-125 के करीब गाँव में शौचालय बनवाए हैं, और ताकि सभी गाँव को शौचालय है। तकरीबन 90-95% शौचालय गाँव में बने पड़े हैं सभी गाँव में, और सभी उनका इस्तेमाल करते हैं। रास्ते पर हम आगे बढ़े तो रेवाड़ी के ढलियावास की तस्वीर सामने आई। गांव के लोगों खासकर महिलाओं की बात सुने तो साफ हो गया, मनोहर सरकार अपने मिशन में कामयाब रही है। हमारा ये मानना है कि पहले हमारे यहाँ पर किराएदार वगैरह थे, बाहर जाते थे लैट्रिन, बहुत गंदा माहौल था, लैट्रिन बाहर पड़ी रहती थी। और अब ये हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सुलभ शौचालय गांव में भी पहले से ज़्यादा बने हैं और अब कोई यहाँ बाहर नहीं जाता। बाड़ी जिले में दोनों जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनको शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है पहले ही। अब प्रयास है कि उसको लगातार शौच मुक्त रखा जाए, तो उसके लिए जो भी सरकार दोनों विभाग हैं ग्रामीण से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। महिलाओं की न सिर्फ परेशानियां दूर हुई बल्कि सुरक्षा को ताक पर रखकर जो जिंदगी वो जी रही थी, उस शर्मिंदगी से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। मेरे गांव में पहले से काफी सुधार है, क्योंकि सरकार की जो मुहिम थी ODF खुले में शौच मुक्त हरियाणा, उसके तहत हमें बहुत फायदा मिला है। सरकार ने जो स्कीम चलाई हुई थी उसे हमें गांव में जा के अपनी जो मुहिम चलाई थी, लोगों को मोटिवेट किया, जागरूक किया खुले में शौच ना जाए, क्योंकि खुले में शौच जाने से लैट्रिन में मधुमक्खियां, ये मक्खियां वगैरह बैठती है, वही हमारे खाने पे आके बैठती है। हमने घर घर जाके लोगों को समझाया, लोगों को बहुत, मतलब 99% लोगों को समझ में भी आया है। लोगों ने पहले बनवा भी रखी थी शौचालय, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते थे। प्रयोग ने उसमें कई किसी में अपना तूड़ा डाल दिया, गोसे डाल दिया, ये डाल के रखते थे, लेकिन उसके बाद में उन लोगों में इतना फर्क आया है कि अब उस चीज का प्रयोग करते हैं। पहले हम बाहर जाते थे, अब हम घर में शौचालय बन गए, तो सरकार का धन्यवाद करना चाहते। किस प्रकार की दिक्कत होती थी पहले बाहर जाने? बाहर जाने में तो बहुत दिक्कत होती थी, दिन भी रात भी कभी भी सुबह शाम बाहर जाया करते थे। अब घर में लैट्रिन बन गई, सरपंच साहब ने बनवा दी लैट्रिन, हमें पैसे मिल गए, इसके लिए हम लैट्रिन बनाइए, और अब हम अच्छी तरह से यहाँ लैट्रिन चले जाते हैं, और अब हम हर को सुविधा।
रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, ये वैसे तो अलग अलग जिले हैं और इनमें अलग अलग गांवों के नाम, लेकिन तस्वीरें सबकी एक जैसी। ग्रामीण सरकार के गुणगान करते थकते नहीं दिखे। पहले हमें शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो घर के किसी सदस्य को भी लेके जाना पड़ता था, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन अब सरकार ने घर घर शौचालय बनवा दिए हैं, जिससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। अब घर घर शौचालय बना दिए हैं, पहले हमें